हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का टाइम हो गया है, 9:30 बज रहा है। इतने सुबह से इतना काम किए हैं, काम करते करते आप लोग भी वीडियो नहीं शूट किए। पूरे घर को धुलाई किए, दोनों हस्बैंड बीवी मिल गए। तो मैं अभी, ये मेरा बाल गीला है, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये पूरे गद्दा सो मैं छत पे रखाई हूँ सूखने के लिए। और ये बैग थोड़ा गीला हो गया है, और अंदर ना यहाँ पे ये पूरे मैं बाल्टी से, कम से कम 10 बाल्टी से पूरे रूम को धुलाई की है। तो मेरा मन आज नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, फिर भी मैं भी सोची कि मैं शुरुआत ही कर लेती। जब शुरुआत कर लेते हैं तो वीडियो पूरा हो ही जाता है, इसलिए मैं शुरुआत हो। आयुष भी नहा लिया है, आयुष के पापा गए हैं नहाने के लिए। हाय कर दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। हाय, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छा हैं? क्या कर रहा है बाबू? क्या खाया है बाबू? खाया एप्पल। खाया एप्पल? खाया बाबू, गुड बाबू। अच्छा, मम्मी किस दे दो गाल पे। गुड बेटा। और यहाँ पे देखे, मैं नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मैं पोहा बना रही हूँ, पोहा की रेसिपी बहुत बार बनाई हूँ मैं अपने वीडियो में। तो यहाँ पे मैं मूँगफली को फ्राई कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ मेरा मूँगफली फ्राई हो चुका है, तो मैं इसमें 2 कटी हुई मिर्च डाल दूँगी। खड़े खड़े डालूँगा, नहीं तो आयुष के मुँह में जाएगा तो नहीं खाएगा। तो इसमें मैं 2 कटी हुई प्याज डाल दी हूँ। मैं प्याज ज़्यादा डालती हूँ सब्ज़ी में। और इसमें हल्दी और नमक डाल दिए, प्याज भून गया तो हल्दी नमक डाल दिए सिर्फ। और इसमें जो पोहा चूड़ा, इसमें मैं धो के और नमक और 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक मिला के आप फूलने के लिए रख दिए थे। जब ये फूल गया है तब मैं, जब तक ये भूनी तब तक वो तो फूल ही गया है। और यहाँ पे रख के मिक्स कर लूँगी। अब बस मूँगफली डाल दिए हैं, अब बन के तैयार है। तो बस यही सिंपल सा तुरंत बन जाता है। तो आज संडे है, ऐसे तो मैं हम लोग बताए हैं, आज संडे का दिन है। तो हम लोग नहा धो के अब बहुत सारा काम किए थे सुबह से। बस रूम को, मेरा हस्बैंड जब रूम को साफ़ करने लगते हैं ना तो पूरे घर को ही साफ़ कर डालते हैं। जब मैं तो करती ही हूँ, लेकिन हमसे अच्छा वो कर देते हैं। बाल्टीन के बाल्टीन पानी उछल के आप पूरे रूम से अंदर से बाहर तक, तो पूरे बरांडा वरांडा को भी साफ किए। तो मैं वो वीडियो नहीं बनाई, तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, कद्दू का दाल नाश्ता करके। नहीं, नाश्ता में रख दी थी बना के, तब तक सोची कि जब तक खाएंगे तब तक दाल पक जाएगा। लेट हो गया था, 12 बज गया था। तो मैं इसमें दाल धो के, मिक्स दाल है, आप कोई भी दाल ले सकते हैं, मसूर का हो, कुछ का भी दाल हो। तो दाल धो के रख लिए हैं। इसमें चोखा के लिए मैं 2 आलू रख दिए हैं। इसमें ये कद्दू था, लौकी जो बोलते हैं सजमन, तो उसी को मैं काट लिए थे, छोटा सा था। और मैं इसमें टमाटर डाली थी, टमाटर भी इसमें डाल दिए। हल्दी नमक डाल देंगे, पानी डाल देंगे, उसके बाद सभी को मिक्स करके और कुकर का ढक्कन लगा के मैं चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें मिर्च भी, हरी मिर्च भी डालती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे टमाटो मा सब कुछ डाल के अब इतना अच्छा टेस्टी बनता है ना सब्जी। सब्जी नहीं समझे इसको, दाल ही समझिए। तो मैं तो 2 आदमी हूँ तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ, लेकिन ये दाल मैं बना रही हूँ आज, लौकी का दाल बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए, ये लौकी का दाल बन के तैयार। ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो मैं दो आदमी है तो मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। आप ज़्यादा है तो आप पानी डाल सकते हैं, पतला बना सकते हैं, जिस टाइप का दाल रहता है तो उसी टाइप का। और यहाँ मैं चावल बना रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा जीरा फ्राई बना लो, जीरा राइस। तो मैं यहाँ पर थोड़ा तेल डाल दी हूँ, इसमें थोड़ा जीरा डाल दी हूँ, चावल धो के डाल दिए, बस सिंपल सा। इसी तरह सब मैं इसमें भून के थोड़ा देर, 1 मिनट तक मैं ढक के पका लूँगी।
उसके बाद हम इसमें पानी डाल दिए हैं। इसी हिसाब से ही पानी डालिएगा, नहीं तो गीला हो जाएगा चावल थोड़ा सा। बस उसका दोगुना जितना चावल डालते हैं उसका दोगुना पानी डालना रहता है। मैं तो रोज़ इसी में बनाती हूँ कुकर में ही चावल। इसमें थोड़ा नमक डाल दिए हैं, उसको ढक्कन लगा के उसको 2 सीटी आने तक पकाएंगे। यहाँ मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ, तो यहाँ मैं तेल गरम था, इसमें जीरा डाल दिए, हींग डाल दी, हम लाल मिर्च डालेंगे। और मैं ये सूखी मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि ये अति हरी मिर्च भी डाले थे ना तो तीखा हो जाएगा, हम लोग तीखा बहुत कम खाते हैं। आयु भी है ना, तो मैं यहाँ पे देखिए कितना एक बहुत गाढ़ा बन गया। हम लोग हिसाब से ठीक है, इसको पतला भी बना लीजिएगा आप लोग खाएंगे तो, लेकिन बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। लौकी का दाल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए ये मेरा 2 आलू है, तो भी पक गया था तो मैं इसमें बना ली थी चोखा। चोखा बोलते हैं आप लोग या भरता बोलते हैं आलू का पता नहीं मुझे, आप लोग समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे वही बना रही हूँ, चोखा बना रही हूँ। मैं यहाँ पे कुछ प्लेट ले रही थी तो मैं यहीं पे बना रही थी चोखा। आज ये देखिए मेरा आज का ये खाना, राइस चावल चोखा मिर्ची। और यहाँ पे देखिए नज़ारा, आयुष को मैं बहुत बदमाश कर ही रहा था तो मैं आयुष को क्या की दुपट्टा लेके उसको बांध दिए। दुपट्टा उसको रहो बंधे रहो और तुम बाहर मत जाना। बाहर जाता है तो क्या करता है, तो बहुत गाड़ी को छुएगा, गेट है मेन गेट है, मेन गेट को छुएगा, बाहर जाकर बहुत बदमाशी करता है। जहाँ जरा से भी नज़र हटा कि बस बदमाशी करने लगता है। तो ऐसे ही मैं मस्ती के लिए उसको गिल्ला उद में दुपट्टा से तुमको बांध ही देती हूँ। ऐसे वो रो नहीं रहा था, मस्ती कर रहा था, बांधी मम्मी खोलो ना मम्मी जाना है हमको, ऐसा बोल रहा था, रो नहीं रहा था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं शाम का बढ़िया का टाइम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सूजी के बाल बना लेती हूँ। बहुत गर्मी लगता है मुझे, खुला बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा डिजाइन बनाती हूँ, कैसा लगता है आपको? ऐसे मुझे बहुत सारा डिजाइन आता है बालों को, अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मैं बताऊंगी। मैं बहुत डिजाइन का बाल सब बांधती हूँ, तो इसी तरह मैं पूरे बाल को बांध लेती हूँ। उधर आयुष का क्या हुआ बेटा? यहाँ देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आयुष हमको परेशान कर रहा है, कॉफी खा रहेगा। हाँ बाबू, मम्मी काम कर रही है ना बेटा, चकेट फाड़ दो खाएंगे वो, पहले ये खाएंगे चकेट खाएंगे टॉफी, उसके बाद ये तुमको शांत रहने देगा। लो खा लो, यहाँ मैं इसको चॉकलेट फाड़ रही हूँ 1 मिनट। यहाँ देखिए मैं यहाँ क्या कर रही थी, हाँ तो बाल को ही मैं डिजाइन बना के ये छोटा सा मैं ये जो होता है क्लिप वो लगा ली हूँ। और यहाँ पे पूरे बाल को घर करके और ये गार्डर लगा लूँगी, उसके बाद मैं समेट के बांध लूँगी। यहाँ पे मैं बांध रही थी, आयुष भी बहुत कह रहा था कि मम्मी हमको भी बांध दो, हमको भी बांध दो। जब मैं उसको कहीं लाओ बांध देते हैं तो भागने लगा, ऐसे ही करता है। जब वो उसका मूड कोई भी चीज़ में रहता है ना तो कराता है, जब मूड नहीं रहता तो कितना भी कोशिश कर लो। यहाँ देखिए कर रहा है, हमको भी करना, हमको जब उस मूड हटेगा तो बिल्कुल भी ये नहीं करने देगा। तो मैं यहाँ पे यही बता रही थी, बस यही सिंपल सा मैं जूरा बना रहती हूँ, ऐसे ही मैं रहती हूँ ज़्यादातर। हमें मेकअप से कब कुछ नहीं, गर्मी इतना पड़ रहा है यार कि मेकअप से कब क्या कुछ भी करने का मन नहीं करता। जैसे नहाओ फेस वॉश करो बस ऐसे ही रहती हूँ। कभी कभी होता है तो कर लेते, लेकिन गर्मी में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि कोई मेकअप से कब करूँ, इतना गर्मी पड़ रहा है। हमें मेरे घर में तो सिर्फ पंखा है, कूलर भी नहीं है, कूलर भी मैं लगाऊंगी। लेकिन अभी जो लॉकडाउन है तो लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन अभी कोई सामान जल्दी मिल नहीं रहा है ना, तो मैं जल्दी ये कूलर खरीदूंगी, बहुत गर्मी लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ये मैं रात का मैं खाना की तैयारी कर रही हूँ, तो ये मैं तोरी का सब्जी बना रही हूँ, जिसमें मैं मिर्ची प्याज ये सब भून के तो उसमें मैं तोरी डालूँगी। और इधर आयुष कुछ कह रहा था तो मैं इधर देख रही थी उसको। यहाँ देखिए
तो इसी तरह से मैं तोरी में चना का दाल भी डालती हूँ और ये चना भी डालती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, उनको सिंपल सा तोरी का सब्जी पसंद है, कैसे सिंपल सा बनाओ भुंजिया टाइप का, तो उसी टाइप पे बनाती हूँ। और यहाँ पे ये पानी ख़त्म हो गया था तो ये जा रहे हैं पानी लाने, उनको बोल के आप पानी ले आ। तो हम लोग चाय हुई, मैं मेरा चाय रही गया था तो मैं अपना चाय पी रही हूँ, तब तक आप लोग भी आइए खा लीजिए। मैं आयुष को दे रही थी, आयुष बोल रहा था तो मैं आयुष को कह रही थी कि खाओ खाओ पी लो। तो मैं ऐसे दो मेरे हस्बैंड हो ना वो कभी मतलब दूध का चाय नहीं पीते हैं, पता नहीं क्यों, शायद गैस उस प्रॉब्लम होता है, तो हमेशा से लाल चाय ही पीते हैं, नींबू डाल के या तो गुड़ डाल के बनाएंगे अदरक वाली तो वो पियेंगे, और लेकिन दूध का चाय नहीं पियेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लाल चाय बनाती हूँ और उसी में मैं लाल चाय छान देती हूँ उनके उनके लिए, उसके बाद मैं उसमें दूध डाल देती हूँ, अगर मीठा कम रहे तो थोड़ा सा चीनी डाल दिए। तो मैं अपने लिए दूध वाला चाय बना, मुझे लाल चाय नहीं पसंद, उनको दूध वाला नहीं पसंद, यही तो है। तो वो मेरे हस्बैंड चाय वो पी लिए थे, तो मैं सोची कि मैं इधर चढ़ा भी देती हूँ और अपना चाय भी पी लूँगी, दोनों साथ साथ सब काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आयुष कार्टून के लेके, तो मम्मी कार्टून चालू कर दो, तो मैं उसको ये मोबाइल चालू करके दे रही थी। तो मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी, ऐसे संडे का दिन ना कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, तुरंत सुबह ऐसे 8-9 बजे 8 बजे उठते ही हैं, तुरंत सुबह होता है तुरंत रात हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है संडे को। ऐसे ही रात में भी हम लोग न्यूज़ देखे थे तो एक ये हीरो मर गया, उनका भी बहुत टेंशन हो रहा था, मतलब टेंशन क्या, मतलब बुरा लग रहा था कि यार कैसे हो गया, इतना कम उम्र का है कैसे हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी फेवरेट हीरो रहता है ना तो कुछ अलग ही फीलिंग होता है। हेलो फ्रेंड गाइज, तो मैं अब जब भी फ्री हुई हूँ, हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, आयुष है उसके पापा दोनों, टोपी नहीं खाना चाहिए बेटा, खाना वाना खा के थोड़ा सा टहल लेते हैं, तो हम भी खा लिए हैं, बर्तन वर्तन भी धो लिए हैं। तो मैं सोचा कि जब तक वो लोग टहल रहे हैं तब तक मैं अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो देखिए मेरा चेहरा का तो 12 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं अपने चेहरा को, क्या करें पसीना में सब ऐसा ही होता है। तो देखिए मेरे नेल्स भी पूरे टूट गया, तो ऐसे मैं बाल बना रही थी तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ कि मैं कि गर्मी में कैसे बाल बना, ऐसे कैसे लग रहा है बाल, और आप लोग बना के ट्राई करेगा, सिंपल सा है। तो मैं इसी तरह अपने जूड़ा को ज़्यादा तक बनाती हूँ गर्मी में, ये नहीं, ये देखिए मेरा ये जुदाना हुआ था तो मैं इसमें काली मिर्च लगाई थी, ठीक हो गया था, बहुत काम किया, 100% पक्का गारंटी कि आप लोग को ठीक भी हो, ठीक हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें करते ना हुए, मैं ना आज आयुष को, आयुष हमको बहुत परेशान किया, तो मैं आयुष को ना आज बांध दी थी, तो ये पहले दुपट्टा है, इसी दुपट्टा से मैं बांध दी थी। तो चलिए मैं वो वैसे ही रो नहीं रहा था, मस्ती के मूड में था, तो इसलिए मैं क्लाउ में तुमको बांध ही देती हूँ, तुम बहुत बाहर भागता है इसलिए। तो चलिए मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मैंने मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छे से वीडियो बनाती रहती हूँ तो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए बाय, गुड नाइट।